जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान तीन होटलों में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 30 से भी ज्यादा युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। सभी को बस में भरकर थाने लेकर गए हैं। कुछ युवक युवतियां यूपी के रहने वाले थे। दरअसल यह पूरा मामला बिहार के बक्सर का है, जहाँ पर पुलिस ने शराब के लिए छापेमारी करने पहुंची तो तीन होटलों में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया और सभी होटलों को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन को इन होटलों में शराब की अवैध तस्करी की सूचना मिली थी। बुधवार को बक्सर के विभिन्न रेस्टोरेंट, होटल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शराब की तलाशी ली गई थी। इसी दौरान बुधवार को स्टेट रोड के तीन अलग अलग होटलों में देह व्यापार चलता मिला है। छापेमारी के दौरान होटल अनीता, होटल पैराडाइज और माँ वैष्णो होटल में छापेमारी की गई। अलग अलग कमरों से आपत्तिजनक हालत में 30 से भी ज्यादा युवक युवतियों को पकड़ा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि बिहार के अलावा यूपी से भी युवतियों को बुलाया गया था। बक्सर के डीएसपी गोरख राम ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद शराब की छापेमारी के लिए गए थे, लेकिन इन तीनों होटलों से 30 से भी ज्यादा युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।